आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज क्लियर टू एवरीबडी एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, और यू कैन से न्यू सब टॉपिक, दैट इज फेस वैल्यू. इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में प्लेस वैल्यू पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू. नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है? नंबर की फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर खुद होता है. सपोज आपका फेस कैसा होता है, जैसे आप हो वैसी तो आपका फेस है, वैसे ही नंबर जो है वो वैसा का वैसा ही रहे, उसी को हम कहते हैं फेस वैल्यू. एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. जैसे ये नंबर है, सपोज जो नंबर हम लोगों ने इससे पहले लिया था, सेम नंबर वी आर टेकिंग, 92,86,74,501. इसमें अंडरलाइन डिजिट इज 7. आपको अगर इसकी फेस वैल्यू बतानी हो तो ये 7 है, तो इसकी फेस वैल्यू भी 7 ही होगी. लेकिन अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी हो तो देन यू हैव टू काउंट इट अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट विच आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो. आई होप यू रिमेंबर. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000. सो 7 इज कमिंग एट द वैल्यू ऑफ 10,000. तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10,000. या फिर हम इसको नंबर्स में अगर लिखते हैं तो हम इसको 70,000 लिखते हैं. यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं. अगर आपको सपोज एग्ज़ाम में या टेस्ट में आपको नहीं याद आ रहा है कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, जो डिजिट है वो लिखो और उसके बाद कितनी नंबर्स आ रहे हैं उतने ज़ीरो लगा दीजिए, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है. सपोज 7 है, 7 के बाद कितने डिजिट्स हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट्स हैं, तो हम 7 लिखेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4, 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे. बट ये सिर्फ ट्रिक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ये उस टाइम के लिए कि कभी आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, आपको नहीं याद रहता है, तो उस केस में आप इस तरह से हेल्प ले सकते हैं. एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर देती हूँ. सपोज 9 है, 9 की अगर हमें फेस वैल्यू बतानी है तो 9 की फेस वैल्यू सेम ही रहेगी, वो 9 ही रहेगी, ठीक है. लेकिन अगर प्लेस वैल्यू बतानी हो तो हमें उसको काउंट करना पड़ेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. तो प्लेस वैल्यू जो 9 की आ रही है वो आ रही है 10 करोड़. और या तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद ज़ीरोज़ लगा के इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. दोनों मेथड सही है. अगर आप इस तरह से लिखेंगे वो भी सही है, अगर आप डिजिट्स में लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, वो है नंबर सिस्टम के टाइप्स. जो मैं ये आपको बता रही थी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये एक्चुअली होता है नंबर सिस्टम. दो तरह के नंबर सिस्टम्स हम पढ़ते हैं. वन इज़ द इंडियन नंबर सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू टिल नाउ, दैट इज़ बेसिकली द इंडियन नंबर सिस्टम. Now, international number system will be covered in the next video. Thank you, class.